हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर ओ ओ क्या है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या है, ओपी इज द रेडियस, ठीक है, एंड टी इज ए पॉइंट सच दैट ओ टी इक्वल टू कितना है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। ओ टी मतलब दिस वन लेंथ कितना है, दिस वन, और दिस वन ओ से टी के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ टी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ई, जो ओ टी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई पर कर रहा है। इफ ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी क्या है हमारे पास, टेंजेंट का काम कर रहा है। ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ई, ई क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें लेंथ ऑफ ए बी बताना है, वेयर टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल। टी पी एंड टी क्यू, टी पी देखो तो टी पी क्या है हमारे पास, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से हम बात करेंगे स्टूडेंट। जैसे मान लो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हमारा क्या, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे इस वाले ट्रेंगल में हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाले ट्रेंगल, ये हमारा जो ट्रेंगल है इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, ये हम बात करेंगे, और ये हमारे पास ये 90 डिग्री है। तो इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी, ठीक है। एंगल क्या है हमारे पास, एंगल देखो हमारे पास ओ पी टी में एंगल, एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बाई टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ पी टी में हम क्या कर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, मतलब ओ टी, ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ओ टी गिवन है, ओ टी हमारे पास कितने, 13 का स्क्वायर, एंड ओपी कितना है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पीटी निकाल सकते हैं, पीटी का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 25 प्लस पीटी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू पीटी का स्क्वायर। देखो 169 माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 पीटी का स्क्वायर। तो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, मतलब पीटी की लेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई, क्योंकि नेगेटिव तो कंसीडर करेंगे नहीं, 12 सेंटीमीटर। तो ये पीटी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो दिस वन, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, देखो पी ए की लेंथ एक्स मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हम इस वाले ट्रेंगल में बात करेंगे, इस वाले ट्रेंगल में हम बात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये छोटा वाला ट्रेंगल है, देखो दिस वन, ठीक है, इस वाले ट्रेंगल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, जैसे ये वाला ट्रेंगल है, देखो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, दिस वन इज द रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट है, और हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पर देखो ये 90 है, तो ये लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, तो ये ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। तो अब ये क्या हो जाएगा, पी ए, पी ए इक्वल टू, पी ए इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लो, या कोई वाई एज्यूम कर लो, एम एज्यूम कर लो, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, ये टोटल लेंथ हमारे पास, ये ध्यान देना, ये हमारे पास पी टी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना, 12 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 80 जो हो जाएगा 12 माइनस 6 होगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो होगा, देखो पी टी, पी टी इक्वल टू कितना हमारे पास,
पीटी हमारे पास 12 है, ठीक है। पीटी को क्या लिख सकते हैं, पीए प्लस एटी लिख सकते हैं, एटी इक्वल टू 12। तो पीए हमारे पास कितना है, एक्स है, प्लस एटी इक्वल टू 12। तो एटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जिससे मतलब ओटी, ओटी हमारे पास कितना है, ओटी ओटी इक्वल टू क्या है, ओई प्लस ईटी है। ओटी हमारे पास कितना है, 13 है। ओई कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, प्लस ईटी, ईटी ठीक है, 13 माइनस 5 ईटी, ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ईटी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं देखो, ईटी भी पता चल गई, ईटी कितना हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। हम देखो ये लेंथ कितना है, एक्स है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इस वाले में हम अब पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है यहाँ पर, इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई टी, ए ई टी, ठीक है, एंगल ई ई तो कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ये लीनियर पेयर हमने सॉल्व कर लिया, पहले ही हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर। क्लियर है, ए टी हमारे पास कितना है, 12, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए कितना है, एक्स का स्क्वायर, ई टी कितना हमारे पास, 8 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, 12 का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स, फिर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और ये प्लस 64 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 12 का स्क्वायर 144 देगा, माइनस 24 एक्स होगा इक्वल टू 64 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको उधर लेके जाओ, तो 144 माइनस 64 इक्वल टू 24x, ये कितना आ जाएगा, 144 में से हम ये 64 माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा, 24x, तो 80, अब क्या हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 24x, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा तुम्हारा, अब ए और ई बी, ये देखो एज ए बी, ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हमारे पास ए ए प्लस ई बी होगा। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, और यहाँ पर हमें पता है, जिससे देखो सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे तो ये इसकी भी लेंथ वही होगी। क्लियर है, क्योंकि जो ये हमारा ए ई आया है उतना ही बी ई भी आएगा। क्लियर है, मतलब ए ई और बी ई आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि देखो जो अपर साइड में दोनों ट्रायंगल कंसीडर किया, लोअर साइड में भी हम सेम ट्रायंगल, जैसे ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, फिर बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करके हम सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना और आंसर वही आएगा। तो मतलब ए बी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जो होगा ट्वाइस ऑफ, और ए हमारे पास कितना है, एक्स निकाले हैं, तो ए इक्वल टू एक्स है, मतलब 3.3 है, ये आ जाएगा आपका 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 6.6 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी विल बी 6.6 सेंटीमीटर, देयरफॉर length of AB will be 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, इन गिवन फिगर टू सर्कल विथ इक्वल रेडियाई है, मतलब दोनों सर्कल का इक्वल रेडियस, मतलब ये भी आर है, इसका भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। टच
देखो सेंटर क्या रखा, ओ एंड ओ डैश दे रखा है, टच ईच अदर एट एक्स, एक्स पर क्या कर रहा है, दोनों टच कर रहा है, ठीक है। ओ एंड ओ डैश प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल विथ सेंटर ओ डैश एट ए, ठीक है, ए पर मीट कर रहा है। ए सी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सी हमारे पास क्या है, टेंजेंट कर रहा है, टेंजेंट किस पर है, एट सेंटर ओ पर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है ओ डैश डी इज अ परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू दिस वन है, ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा, ठीक है। तो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी ओ डैश, डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान देना, तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी ओ डैश एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस वन 90 दे रखा है और ये भी क्या होता है 90 होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट, और हमें पता है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। अब यहाँ पर देखो एंगल, एंगल डी और एंगल सी 90 है, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्लियर है। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं, सिमिलर कर लेंगे इसको, ट्रायंगल ए सी ओ, कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए ए टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, क्लियर है, बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ए डी ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ओ, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट ए ओ, देखो डी ओ, डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ एंड ए ओ डैश डिवाइड बाई ए ओ, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट या रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लिख सकते हैं रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, 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 क्लियर है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्लियर है। अब देखो यहां पर डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ, अब देखो ए ओ डैश, ए ओ डैश हमारा क्या है, रेडियस का काम कर रहा है, यहाँ पर देखो ए ओ डैश ये भी क्या है, रेडियस है, एंड ए ओ के क्या लिख सकते हैं, ए ओ को हम लिख सकते हैं ए ओ डैश प्लस ओ डैश एक्स प्लस एक्स ओ, ठीक है, ए ओ इक्वल टू कितना, ए ओ डैश कितना आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आ जाएगा ए ओ इक्वल टू 3 times r आ जाएगा, मतलब ए ओ कितना आ गया, आर आ गया, और ये कितना आ गया, 3 r आ गया, तो ये r से r कैंसिल, तो डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ इक्वल टू कितना 1/3 आ जाएगा, क्लियर है। तो रेशियो ऑफ हमारे पास कितना आ गया, दिस वन, फाइनली हमारे पास देयरफॉर, देयरफॉर डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ इक्वल टू 1/3 आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या रखा, इन द गिवन फिगर ए बी, ए बी हमारे पास कितना है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट, ए बी की लेंथ कितनी हमारे पास दे रखी है, ए बी इक्वल टू हमारे पास 16 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस कितना, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, 10 है, ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। अब यहाँ पर रखा फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, हमें लेंथ ऑफ पी ए बताना, मतलब ये लेंथ बताना है, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो हमने देखो इसको हमने एज्यूम कर लेंगे पी एल, लेट
PL की लेंथ हमने y मान लिया, लेट एज्यूम कर लिया लेंथ ऑफ PL हमारे पास कितना है, y है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां से यहां तक लेंथ मान एज्यूम कर लिया y, ठीक है। अब जो PO है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB होगा, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीख रखा है। तो क्या लिख देंगे, एज देखो OP इज अ परपेंडिकुलर, इज अ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब देयरफॉर AL और LB आपस में इक्वल होगा, मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, दोनों की लेंथ कितनी है 16 है, 16 का हाफ हो जाएगा तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जैसे मान लो ये हमारे पास 8 हो गया और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये वाली हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, तो ये वाले ट्रायंगल में जो होगा इन ट्रायंगल ALO, ठीक है। एंगल L कितना हमारे पास, एंगल L 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में, एंगल L इक्वल टू 90 डिग्री है। क्लियर है। तब क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AL का स्क्वायर प्लस LO का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है, ठीक है। तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर AL 8 का स्क्वायर प्लस LO का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू LO का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व इवेलुएट करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा LO का स्क्वायर, ये कितना 36 हो जाएगा LO का स्क्वायर। तो फाइनली हमें तो LO इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, तो LO इक्वल टू 6 मिला, 6 सेंटीमीटर मिला। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो ये हमारे पास पता चल गया कि ये जो लेंथ है LO वो हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, दिस वन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल POA, ठीक है। एंगल A कितना हमारे पास, एंगल A 90 डिग्री है, कैसे, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, PO का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ हो जाएगा PO का स्क्वायर y प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, फिर PA का स्क्वायर प्लस तुम्हारा AO कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक काम करेंगे हम, PA का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, जिससे मतलब y, देखो y का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2 टाइम 6 इंटू वाई प्लस 6 का स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, PA का स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 PA का स्क्वायर प्लस 100। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, इसको इधर लेके आओ, तो y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 100 PA का स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, PA का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये काम करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट, तो दिस वन इक्वल टू इक्वेशन 1। क्लियर है। अभी हम क्या काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, दिस वन ट्रायंगल ये हो गया हमारा, ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है ये आपका, ये 90 डिग्री, ठीक है।
इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे यहाँ पर। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एल ए, पी एल ए क्या होगा, पी ए, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एल, ए एल का स्क्वायर प्लस पी एल का स्क्वायर, पी एल का स्क्वायर, क्लियर है। तो पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर, ए एल हमारे पास कितना है, एट का स्क्वायर, ठीक है, एंड ए एल हमारे पास एट का स्क्वायर, पी एल वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास 64 वाई का स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेटिंग वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। देखियो ये भी हमारे पास पी ए का स्क्वायर है, ये भी पी ए का स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 64 प्लस वाई का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, तो ये और 36, और ये आपका कितना आ जाएगा 36 माइनस दिस वन, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 64 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट कितना है हमारे पास 64 हो जाएगा, माइनस 64 हो जाएगा, देखो तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 64 प्लस 64 ये 12y, क्लियर है, 64 प्लस 64 12y, तो 64 प्लस 64 कितना होगा 128 हो जाएगा, ये 12y, तो फाइनली हमारे पास क्या था 128 डिवाइड बाई 12y, तो फाइनली हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू जो आ गया हमारा 32 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, हमें तो लेंथ ऑफ PA निकालना है, लेंथ ऑफ PA निकालना है, तो लेंथ ऑफ PA के लिए हमें क्या काम करना होगा, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, किस वाले इक्वेशन में, दिस वन इक्वेशन, ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, PA का स्क्वायर 64 प्लस, और y हमारे पास कितना है 32 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, क्लियर है 32 डिवाइड बाई स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पी ए का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 32 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे क्या मिलेगा 1024 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, पी ए का स्क्वायर ये आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 64, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 64 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 104, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 1600 डिवाइड बाई 9, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया इसका, देखो ये कितना है पी ए का स्क्वायर है, पी ए का स्क्वायर है, तो ये 1600 डिवाइड बाई 9 है, तो फाइनली पी ए इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 40 डिवाइड बाई 3, तो हमारा कितना आ गया 40, तो ए पी ए लिखो या पी ए लिखो, पी ए इक्वल टू कितना आ गया 40 डिवाइड बाई 3, प्लस में कंसीडर करेंगे तो ये कितना आ गया सेंटीमीटर, मतलब 13.3 सेंटीमीटर आ गया, पी ए इक्वल टू कितना आ गया 13.3 सेंटीमीटर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझे, तो इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ ऑफ पी ए कितना आ गया 13.3 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी इतना आ गया, ये भी 13.3 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, तो इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट, ये देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, पहले ये करना फिर ये फिर ये फिर ये, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट, इन फिगर, फिगर नहीं दे रखा है यहाँ पर, इन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, पी ए एंड पी बी टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी, ठीक है, ये हमारे पास पी ए एंड पी बी टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ है। अब यहाँ पर दे रखा है ए पी बी, ए पी बी कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है, राइट द मेजर ऑफ ओ ए बी, मतलब ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये हमारा बी है, तो हमें बताना है
OAB मतलब दिस वन एंगल हमें बताना है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो इसका आंसर 25 डिग्री होगा, 25 डिग्री। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो अब यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल ए पी ए बी। तो देखो यहाँ पर पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। क्लियर है? तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, मतलब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, मतलब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू लिख सकते हैं। इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट अपोजिट टू इक्वल साइड्स साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल एबीसी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल पी, पी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये कितना है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, प्लस एंगल 50, ये कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 50, ये एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 130, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना 130, ये आ जाएगा 130 डिवाइड बाई टू, मतलब एक्स इक्वल टू 65 डिग्री आ जाएगा। एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 65 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस, ठीक है। पी ए क्या है, टेंजेंट है, पी ए इक्वल टू टेंजेंट। इतनी बात समझ में आई, टेंजेंट है। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो ओ ए पी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी कितना होगा, एंगल 1 है, ये कितना हमारे पास निकाल रखा है, ये हमने x निकाला, ये x है और x की वैल्यू क्या हमारे पास 65 है, 65 90। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 माइनस 65, एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना होगा 25 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये हमारा फाइनली कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आने फिर जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।